चुनावी मैदान में नेताओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है नोटा। 2013 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ अधिकाधिक संख्या में नोटा वोटों के मतदान के लिए खबरों में था। यहाँ तक कि कई सीटों पर नोटा प्रत्याशियों की हार के लिए भी जिम्मेदार था। यह वह सवाल था जब पहली बार चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम में ये नया विकल्प शामिल किया गया था। 2013 में 90 विधानसभा सीटों में से 35 में नोटा तीसरे स्थान पर था। ये देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत में केवल 0.75% का अंतर था और नोटा को 3.16% वोट मिले। इसका मतलब है कि नोटा को हार के अंतर से 4 गुना ज़्यादा वोट मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में आंकड़ों को देखें तो आदिवासी इलाकों में नोटा को भारी समर्थन मिला, जिसमें 11 में से 5 सांसदों में तीसरे स्थान पर था। उदाहरण के लिए माओवादी हिंसा से प्रभावित बस्तर में 38,772 मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी, जिन्हें सिर्फ 16,903 वोट मिलने के मुकाबले नोटा को चुना। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।